अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो जनाब, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हो गए हैं पाकिस्तानी ड्रेस डिज़ाइनर फराज मनान के फन के परस्तार। गुज़िश्ता दिनों दीपिका की चंद तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, जिसकी वजह उनका फराज मनान का लिबास से वतन करना था। और इसी तरह गुज़िश्ता रोज आलिया भट्ट भी फराज मनान की खूबसूरत ड्रेस में अपनी तस्वीर शेयर करती हुई नजर आईं। और बात सिर्फ इन दो नामवर सितारों की ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और लॉलीवुड के बेशुमार लोग बशमूल शाहरुख खान और करीना कपूर इस बासलाहियत पाकिस्तानी ड्रेस डिजाइनर के मलबूसात नहायत शौक से पहनते हैं। गुज़िश्ता दिनों जब दीपिका ने फराज मनान की डिजाइन करदा हाथी दांत की खूबसूरत साड़ी पहनकर अपनी तस्वीर शेयर की, तो लोगों ने उन्हें बेहद सराहा। और ऐसे में ये बात सामने आई कि हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे फराज मनान की डिजाइन पहनना पसंद करते हैं। इसीलिए न सिर्फ फराज मनान इन बड़े नामों को अपने पास शेयर करते हैं, बल्कि ये बड़े नाम भी फराज को अपने पास फख्र से शेयर करते हैं। दीपिका की तरह आलिया को भी लोगों ने बहुत सराहा, और ये बात वाजे हो गई कि सरहद के इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि किसको किससे नफरत है और कौन किससे दुश्मनी करता है। फन की तो कोई सरहद ही नहीं होती, और ये बात बार बार साबित हो रही है। फराज मनान एशिया की एक इंतहाई फेमस ब्राइडल ड्रेस डिजाइनर है, जिनके ड्रेसेस की डिटेल्स और जमालियाती एहसास उनके हर हर टांके से नुमाया है। उनकी शोहरत अगरचे ब्राइडल कुट्योर के हवाले से है, लेकिन उनके ड्रेसेस में आपको वर्सटाइलिटी नजर आएगी। मरूफ अदाकारा करीना कपूर हमें अक्सर और बेशतर उन्हीं के मलबूसात में नजर आती हैं। अपने बच्चे की पैदाइश के बाद करीना कपूर ने पहला शूट मनान के ही ब्राइडल ड्रेसेस के लिए किया। करीना ने मनान की लॉन लाइन और क्रिसेंट लॉन के लिए भी मॉडलिंग की। और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए लॉन गर्मियों का अहम तरीन तोहफा है, इसलिए लोगों ने उनको बेहद सराहा और बहुत ज्यादा पसंद किया। सिर्फ करीना कपूर ही मनान की महारत से मुतासिर नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को भी हमने इश्तेहार में मनान के डिजाइन पहने हुए देखा। ये इश्तेहार दिवाली के मौके पे पेश किया गया, इसलिए सादा कुर्ता शलवार पर कढ़ाई वाली जैकेट बहुत खूबसूरत लग रही थी और इस मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ये सच है कि हमें अपने मकामी डिजाइनर्स को फलते फूलते देखते और खत्ते के सबसे बड़े सितारों को तैयार करते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। सरहद पार तावन एक और प्लस पॉइंट है। अभी हाल ही में एक हिंदुस्तानी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने ताज़ा तरीन मलबूसात की मुहिम के लिए पाकिस्तानी ड्रामे परिजात के OST का एक वर्जन इस्तेमाल किया, और उनके इस अमल को शायकीन की जानिब से खूब पजीराई हासिल हुई। याद रहे कि फराज मनान एक नामवर पाकिस्तानी डिजाइनर है, जिनकी कस्टमर्स की फहरिस्त में बॉलीवुड के बेशुमार सितारे शामिल हैं। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट लगाई है वो बहुत खूबसूरत है और लोगों ने उसको बेहद पसंद किया। वो कि वो हमारी अकदार से कई हट के लिबास पहनी हुई है, लेकिन क्योंकि वो उनके कल्चर से मुताबकत रखता है, इसलिए शायद देखने वालों को कुछ भी बुरा महसूस नहीं हुआ। आलिया भट्ट की तस्वीरों को कमेंट सेक्शन में बहुत पसंद किया गया। आम आवाम के साथ साथ अदाकारा आयशा उमर और मॉडल महरीन सैयद ने भी उनको बेहद सराहा। तो जनाब, ये बात साबित होती है कि दुनिया सरहदों से तकसीम हो सकती है, लेकिन फैशन की सरहदें डिज़ाइन के इंतखाब और कपड़े तक ही महदूद रहती हैं, उनके लिए कोई सरहद नहीं। फन के हवाले से, सलाहियत के हवाले से पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं। ज़रूरत इस अमर की है कि उनकी हौसला अफजाई की जाए, उन पर बिला वजह की तनकीद ना की जाए। सीनियर ड्रेस डिज़ाइनर्स के साथ साथ नए आने वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो ड्रेस डिज़ाइनर को दुनिया भर में मुतारफ़ कराएँ। गुज़िश्ता 10 सालों में इस हवाले से कुछ फैशन शोज़ किए जा रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन ये फैशन शोज बैन-उल-अक़वामी सतह पर किए जाने चाहिए, ताकि आपका टैलेंट, आपकी सलाहियत और आपके लोग दुनिया भर में जाने और पहचाने जाएं। और अपनी इस बात के साथ मैं आपसे लूंगी इजाजत। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह नेकी।